आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि मनुष्य की जो जन्म कुंडली है वो कैसे हमारे अपने कर्मों से बनती है। देखिए, सबको अपना भविष्य जानने की इच्छा होती है, इसलिए हम ज्योतिष का सहारा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र कर्मफल बताने की विद्या है। ज्योतिष शास्त्र किसी भी मनुष्य के भावी सुख दुख की भविष्यवाणी करता है और ग्रहों को इसका कारण मानकर ग्रह शांति के लिए दान, जप, हवन आदि के उपाय बताते हैं। कर्मों की अपनी एक गहन गति होती है। यह संसार मनुष्य की कर्मभूमि और भोग भूमि दोनों है। जन्म जन्मांतर में किए हुए समस्त कर्म संस्कार रूप से मनुष्य के अंतकरण में एकत्र रहते हैं और उनका नाम संचित कर्म है। उनमें से जो वर्तमान जन्म में फल देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं उनका नाम प्रारब्ध कर्म है और वर्तमान समय में किए जाने वाले कर्मों को क्रियमान कर्म कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र इन्हीं कर्मों के फल को उसी प्रकार दिखलाता है जैसे अंधेरे में पड़ी हुई वस्तु को दीपक का प्रकाश। तो ग्रह जो ग्रह नक्षत्र हैं वो शुभ अशुभ फल नहीं देते, मनुष्य के कर्म से मिलता है सुख और दुख। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार एक बार भगवान शंकर ने पार्वती जी से पूछा कि मनुष्य की जो अच्छी बुरी अवस्था है वह सब उनकी अपनी ही करने का फल है, किंतु संसार में लोग शुभ अशुभ कर्म को ग्रह जनित मानकर ग्रह नक्षत्रों की आराधना करते रहते हैं, क्या ये ठीक है? तो भगवान शंकर कहते हैं, ग्रहों ने कुछ नहीं किया है, ग्रह नक्षत्र शुभ अशुभ कर्म फल को उपस्थित नहीं करते हैं, अपना ही किया हुआ सारा कर्म शुभ अशुभ फल देने वाला होता है। शुभ कर्म फल की सूचना शुभ ग्रहों द्वारा होती है और बुरे कर्मों की सूचना अशुभ ग्रहों द्वारा होती है। वास्तव में किसी मनुष्य के सुख दुख का कारण ग्रह नक्षत्र नहीं है, ग्रह कर्मों के फलदाता और कर्म फलों के सूचक हैं। जीवों के कर्मों का फल देने वाले भगवान श्री विष्णु ही ग्रह रूप में रहते हैं। सूर्य का रामावतार, चंद्रमा का कृष्णावतार, मंगल का नरसिंहावतार, बुद्ध का बुधावतार, बृहस्पति का वामनावतार, शुक्र का परशुरामावतार, शनि का कुर्मावतार, राहु का वारावतार और केतु का मीनावतार, ये लोम संहिता में लिखा हुआ है। तो मनुष्य के कर्म का फल का भंडार अक्षय है, उसे भोगने के लिए जीव 84 लाख योनियों में शरीर धारण करता आ रहा है, इसलिए मानव शरीर का एक नाम भोगायतन है। कर्म फल अटल है, इन्हें भोगे बिना छुटकारा नहीं मिलता है। हम अपने सुख दुख सौभाग्य दुर्भाग्य के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, इसके लिए विधाता या किसी अन्य को दोष नहीं दिया जा सकता। तो ऐसा जानकर आपको शांत रहना चाहिए। प्रकृति ने मानव जीवन में संतुलन के लिए व्यवस्था की है कि कुंडली में 6 भाव सुख के और 6 भाव दुख के हैं। दुख के बीज से सुख का अंकुर फूटता है, सुख के फल में दुख की गुठली होती है। सुख दुख दोनों ही एक सिक्के के 2 पहलू हैं। तो धन्यवाद, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।